संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं आप सब लोगों का अध्ययन सही चल रहा होगा और हमारी वीडियो आपको एकाध प्रतिशत तो लाभ पहुँचा ही रही होंगी। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि अविभाव समास चल रहा है, हमने बताया था कि जब तक समास खत्म नहीं हो जाएंगे हम समास को छोड़ेंगे नहीं, एक तरफ से संपूर्ण समासों का अध्ययन करेंगे। तो आज अंतिम वीडियो है ये अविभाव समास का। उसके बाद हो सकता है कि हम इसके 25 से 30 वाक्य बनाना सीखें। वाक्य बनाने से क्या होगा कि समास जो भी हमने सीखे हैं अविभाव समास, उनका हमें प्रयोग करना आ जाएगा और वो हमारे अवचेतन मन में अच्छे से बैठ जाएगा, तो फिर उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे जो हम भूल जाते हैं बार बार। समासांत, ये जो समासांत है, समासांत का मतलब थोड़ा सा समझा दूं मैं, एक सूत्र है समासांता, ये अधिकार सूत्र है और यहाँ से अब इसका अधिकार चलेगा और जितने भी समास होंगे उनके अंत में टच प्रत्यय होगा। ठीक है, अव्यभाव समास से यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है, शब्द हम लोग पढ़ते हैं कि शब्द से होते हैं या धातु से होते हैं समास टच प्रत्यय, यहाँ अव्यभाव समास शब्द से, केवल शब्द से नहीं होगा, यहाँ जो टच प्रत्यय होगा वो अव्यभाव समास शब्द से होगा, जो शब्द अव्यभाव समास बन चुका होगा उससे टच प्रत्यय का विधान किया गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि ये टच प्रत्यय कृदंत के अंतर रखा जाएगा, तद्धित के अंतर्गत रखा जाएगा या किसी और प्रत्यय के अंतर्गत रखा जाएगा, तो इसमें एक सूत्र नया है तद्धिता। तद्धिता से तात्पर्य क्या है? तद्धिता सूत्र यह कहता है कि जो भी इसमें जितने भी सूत्र लगेंगे वो जो टच प्रत्यय का विधान किया गया है जिन सूत्रों के माध्यम से, वो सभी में ये टच प्रत्यय केवल और केवल तद्धित प्रकरण में अर्थात तद्धित के अंतर्गत ही माना जाएगा, अर्थात टच प्रत्यय तद्धित के अंतर्गत ही आता है, ये इस सूत्र के द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए और कुछ थोड़ा सा और जानते हैं इसमें। इसमें अव्यभावे शरत प्रवृत्तिभ्या, ये हमने जान लिया था, इसमें एक नया सूत्र है जराया जरस, ये गण सूत्र है। गण का मतलब मैंने बताया था पहले, आज भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो जराया जरस का तात्पर्य है जराया, यानी जरा माने बुढ़ापा होता है, जरा में जब जराया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो उस जराया स्थान के स्थान पर, जराया शब्द के स्थान पर जरस यह आदेश हो जाएगा, यह सूत्र कहता है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसके बारे में कुछ नहीं है, ये इसको हमने यहाँ लिख दिया है, थोड़ी कुछ छूट गई थी। एक नया शब्द सूत्र और है प्रतिपरि समनुभ्यो अक्षण और यस्यतया, ये दो सूत्र हैं, प्रति पर सम अनु और अक्ष, ये शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, अर्थात प्रति पर सम अनु इन शब्दों के साथ में अक्षी शब्द का अविभाव समास हो तो इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय होता है। ठीक है, यानी ये सूत्र क्यों प्रयोग किया गया है, जैसे परोक्षम है, प्रत्यक्षम है, अन्वक्षम है, समक्षम है, ये जब भी शब्द प्रयोग हो जाएंगे तो उन शब्द से ये टच प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात अक्षी शब्द से पहले प्रति पर सम अनु इन अव्ययों का, पर इसमें अव्यय नहीं है याद रखना है, इन शब्दों का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो उससे टच प्रत्यय हो जाएगा। अब टच प्रत्यय तो इससे भी हो जाता है, लेकिन ये सूत्र अलग से क्यों बनाया, क्योंकि जितने भी शब्द बताए हैं उनमें एक शब्द को छोड़ करके बाकी सब इसमें गण में आ जाते हैं, वो अभी चर्चा करेंगे। यस्यतीचा, यस्यतीचा से क्या होगा, जैसे अक्षी शब्द है, अक्षी, अक्षी शब्द से जो ई आया है, अब ई है तो परोक्षम में तो ई गायब हो गया, समक्षम में ई गायब है, अन्वक्षम, प्रत्यक्षम, इन सब में ई नहीं है, तो यस्यति च यही काम करता है कि अक्षी का ई है उसको लोप कर देता है, अर्थात इससे इसका लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसमें जान लेते हैं।
अव्यभावे शरत प्रवृत्तिभ्य, इसको मैंने पहले भी बताया था जब शुरू में सूत्र लिखाए तो मैंने बताया था, सूत्र आप कंठस्थ कर लें, शायद आपने कंठस्थ किए हैं ना किए मुझे नहीं पता, जब तक आप कंठस्थ नहीं करेंगे अव्यभाव समास का दुनिया में कोई भी समास आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है काम चलो समझ में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग से समझ में आ जाती हैं। तो अव्यभावे शरत प्रवृत्ति का मतलब है शरत, शरद एक गण है, शरद आदि गण में जो शब्द गिने गए हैं उन सभी से इस सूत्र के द्वारा स्वतः ही टच प्रत्यय हो जाएगा, ये इस सूत्र में कहा गया है। अब मैं थोड़ा सा गण आपको दिखा दूं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं इसमें, इसमें ये बोला गया है शरद शब्द इसमें पहले होने के कारण मैंने बताया था जब भी गण आ जाएगा, गण से तात्पर्य होता है उसमें बहुत सारे शब्द सम्मिलित हों और उस सारे गण में जितने भी शब्द आते हैं उन सबसे केवल एक ही प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे यहाँ टच प्रत्यय का विधान किया गया है, ऐसे ही कहीं और चले जाएंगे तो, और मैं भी मैंने पीछे भी बताया था आपको, उन सभी में एक ही प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर जो शरदादि गण हैं इन सभी शब्दों में टच प्रत्यय होगा। पाणिनि जी ने ऐसे बहुत सारे गण बनाए हैं, एक एक सूत्र पर अनेकों अनेकों शब्द सम्मिलित करके गण बनाए हैं, और उन गण में क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक बार में जो प्रत्यय बता दिया उन सभी शब्दों से वही प्रत्यय हो जाए। तो शरद है, विपासा है, अनस, मनस, उपान है, देव, यहाँ देव दो बार हो गया है, हिमवत, अनडहु, दिश, दृश, विश, चेतस, चतुर, इत्यादि, तद, यद और कियत, इन सभी शब्दों में टच प्रत्यय हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। किस सूत्र से? अव्यभावे शरत प्रवृत्तिभ्य, एक सूत्र हमने जो अभी पढ़ा है उसके द्वारा, क्योंकि ये शरद आदि गण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, अब उम्मीद है ये तीन चार चीज़ें थी समझ में आपको आ गई होंगी, और पीछे की चीज़ तो आप जानते ही होंगे, तो हम अब सीधे इनके समासों पे चलते हैं। जैसे क्योंकि अव्यभावे शरत प्रवृत्तिभ्य एक सूत्र के द्वारा हम चल रहे हैं, वो गण हैं, तो उसी से संबंधित हम कम से कम ये 6-7 शब्द हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह इसमें जानेंगे। जैसे उपशरदम है, उपशरदम में उप और शरदम ये शब्द दिया गया है, इस शब्द में टच प्रत्यय हो जाएगा, किस सूत्र से हो जाएगा? अव्यभावे शरत प्रवृत्तिभ्य, इस सूत्र से इसमें टच प्रत्यय हो जाएगा, और इसमें फिर समास अव्यभाव समास के सूत्र से होगा। ये बहुत मुख्य है, आपको याद रखना है, यहाँ हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी सूत्र यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वो सब समासांत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वो टच प्रत्यय का विधान करते हैं। समास तो जो हम अब तक सूत्र पहले जो पढ़ चुके हैं उन्हीं में से किन्हीं न किसी सूत्र के द्वारा यहाँ समास हो जाएगा। तो उपशरदम में जो समास होगा वो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, हमने जो द्वितीय लंबा वाला जो जिसमें 16 अर्थ आते हैं, शब्द आते हैं, वो सूत्र यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए वो रीढ़ है इसकी, उस सूत्र के द्वारा इसमें समास हो जाएगा। तो उप समीप के अर्थ में होगा, 16 जो शब्द जाने थे उनके अर्थों में समास होता है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव ये सब जाने थे, आप जाकर के उसको अध्ययन कर लें। तो इसमें अब अगर लौकिक विग्रह करना हो तो क्या हो जाएगा? शरदः समीपम, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, शरद के समीप, सर्दी शरद ऋतु के समीप, ये इसका विग्रह हो गया शरदः। अब यहाँ शरदः थोड़ा गलत हो गया इसमें, नस एक सुप्रत्यय है, क्यों नस क्यों है? क्योंकि शरदः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति का यदि प्रयोग किया जाता है तो उसमें सुप्रत्यय जो षष्ठी विभक्ति में लगता है वो इसमें प्रयोग कर लिया जाते हैं, वो आपको भी याद करना पड़ेगा, मैंने उसको भी बताया है, सु औजस अम औसटाभ्याम्बिस गेभ्याम्बिस, आपको ये कंठस्थ करने पड़ेंगे सब। अलौकिक विग्रह को कंठस्थ करना सीखना है तो आपको ये सभी प्रत्यय आने चाहिए, 21 प्रत्यय हैं, 7 अभिव्यक्ति में 3-3 लगते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो एक वचन का षष्ठी विभक्ति का एक वचन सुप्रत्यय होता है, तो अलौकिक विग्रह हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए प्रतिविपाशम, अब प्रतिविपाशम शब्द जब भी प्रयुक्त हो गया, प्रति शब्द या तो होता है द्वित्य के अर्थ में, ठीक है ना, वीप्सा के अर्थ में, यदि वीप्सा नहीं होती, वीप्सा मतलब दो बार जब जिस चीज को प्रयोग किया जाए, जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक शब्द में प्रति शब्द लगा हुआ है, और प्रतिविपाशम
यहाँ पर भी प्रति लगा हुआ है, तो दोनों में समस्या ये है कि आप पता कैसे करें कि सूत्र के द्वारा इसमें समास हुआ है। तो हमको याद रखना है कि यहाँ द्वित करने का कोई मतलब नहीं है, प्रत्येक विपासम विपासम यानी एक ही तो विपासा है, विपास है मतलब नदी एक ही तो है, प्रत्येकम एकम एकम प्रति वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की चर्चा कर सकते हैं, प्रत्येक नदी की चर्चा कर सकते हैं, प्रत्येक गांव की चर्चा कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी एक हो सकता है, लेकिन यहाँ विपास जो है नदी जो है वो केवल एक ही है, तो एक ही है तो प्रति का विपास दीपसा करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें फिर किस सूत्र पर जाना पड़ेगा, प्रत्येकम शब्द में तो हो गया प्रतिदेशम प्रत्येकम प्रत्यर्थम, वो जो भी द्वित्य हो जाएगा वहाँ वो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले सूत्र के द्वारा समास होगा। यहाँ पर क्योंकि एक ही चीज़ है और इसमें हम द्वित नहीं कर सकते, विपसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कौन से सूत्र का प्रयोग होगा ये सोचने का विषय है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत भी हो सकती है, तो इसको याद रखना लक्षणेन अवृत्ति आभिमुख्य एक हमने सूत्र पढ़ा था जिसके द्वारा इसमें समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विपाशम शब्द दिया गया है लक्षणेन अप्रति आभिमुख्य के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जो हमने पढ़ा था अभ्याग्नि प्रत्यग्नि, लेकिन ये शरदादि गण में गिना गया है, मैंने अभी नीचे आपको दिखाया था, इसलिए इसमें टच प्रत्यय विधान किया गया है। लेकिन अभ्याग्नि और प्रत्यग्नि जो दो शब्दों का बारे में हमने जाना था, दो समास उदाहरण जाने थे, वो इस शरद आदि गण में नहीं है, इसलिए उसमें कभी भी टच प्रत्यय नहीं होगा, केवल इससे ही होगा। ठीक है, तो इसमें अभिभाव समास में जब लौकिक विग्रह में आएंगे तो विपाशम प्रति हो जाएगा, अलौकिक में क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है तो हम जानते हैं सुप प्रत्यय के द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करके सीधा प्रयोग कर दिया जाएगा। आपको इसमें स्मरण रखना है पिछले सूत्रों का, क्योंकि जब तक आप पिछले सूत्रों को याद नहीं करेंगे आपके साथ समस्या होती रहेगी। अब हम चलते हैं उपजरसम, उपजरसम हम अभी जब ऊपर जो सूत्र जान के आए हैं जराया जरस, तो जरस शब्द यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जरस शब्द हो गया है, जराया का जरस आदेश हो जाता है उस सूत्र के द्वारा, ये गण सूत्र के अंतर्गत है, क्योंकि ये शरदादि गण में गिना गया है इसलिए इससे टच का विधान हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन इसमें समास के सूत्र से होगा। ये दो चीज़ें समझते चलना, एक टच प्रत्यय वाला सूत्र है, एक समास विधान करने वाला सूत्र है, दोनों विधायक सूत्र हैं ये, तो इसमें टच प्रत्यय होगा शरदादिगण से अभिभावे शरद प्रवृत्तिभ्य सूत्र के द्वारा, लेकिन इसमें जो समास होगा वो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि के द्वारा होगा, यहाँ भी अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि के द्वारा हुआ था, यहाँ लक्षणेन अप्रति आभिमुख्य के द्वारा हुआ था, यहाँ पर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि के द्वारा ही होगा। ठीक है, और उप शब्द लगा हुआ है तो समीप के अर्थ में होगा, तो इसका विग्रह होगा जराया समीपम, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो अलौकिक विग्रह में जब भी हम चले जाएंगे तो अंगस का इसमें प्रयोग करने के बाद सीधा इसमें प्रयोग हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं जो हमने ऊपर सूत्र जाना था, कौन सा प्रतिपर सम अनु अक्षण अनुभ्यो अक्षण, यानी कि प्रति पर सम अनु जब भी अक्षी शब्द के साथ में आ जाएंगे तो उनसे टच प्रत्यय हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। ये सूत्र क्या करता है, टच प्रत्यय का विधान करता है, लेकिन इन सूत्रों में समास किस सूत्र के द्वारा होगा ये हम थोड़ा सा जानते चलेंगे। ठीक है, जैसे प्रत्यक्षम है, प्रत्यक्षम शब्द जो है यहाँ पर दो चीज हैं, अलौकिक विग्रह में थोड़ा चले जाए तो मैंने बताया था प्रति जो शब्द इसमें विपासम के बताया था, ऐसे ये भी इसी के द्वारा हो जाएगा, इसमें दो अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अक्षणी प्रति ये इसमें हुआ, लक्षणेन अवप्रति आभिमुख्य के द्वारा इसमें भी समास हो जाएगा। अब अक्षणी है, अक्षणी दो यानी कि द्विवचन का इसमें प्रयोग किया गया है, तो हम द्विवचन का इसमें प्रयोग करके अर्थात सुप प्रत्यय द्विवचन में जो प्रयोग होता है वो लगा करके सीधा इसमें अलौकिक विग्रह कर लेंगे। परोक्षम, पर जो है इसमें परोक्षम में पर अव्यय नहीं है, तो अब समस्या आती है कि इसमें किसके द्वारा समास होगा, तो इसमें यही बोला गया है कि ये परोक्षम जो शब्द है वो अव्यय
भाव शरत प्रवृत्ति यानी शरदादि गण है उसके अंतर्गत ये गिना गया है, इसलिए इसमें सीधे उसी सूत्र से टच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, और उसी से ये सीधा गण है, इसमें ये भी नहीं बताया गया कि किसके द्वारा समास होगा, तो समास इसमें सीधा इसमें उसी गण में ही प्रयोग होने से समास भी सीधा गण में हो गया, तो इसमें समास भी उसी से हो जाएगा। विग्रह से अक्षण परम हो जाएगा, क्योंकि आंखों के सामने है तो अंगस प्रत्यय प्रयोग हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति का अक्षण मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है समक्षम। समक्षम अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले सूत्र से इसमें समास हो जाएगा। यथा योग्यता के रूप में जब भी प्रयोग की जाती हैं चीजें तो उसमें ये समास हो जाता है। टच किसके द्वारा होगा? टच अभिभावे शरत प्रवृत्तिभ्य सूत्र के द्वारा होगा। और अक्षणो योग्यम, ठीक है ना, यथा जो शब्द था वो तीन चार अर्थों में प्रयोग होता था ये हम जानते हैं, तो इसमें अक्षणों जो शब्द प्रयोग किया गया है वो द्वितीय विभक्ति का, षष्ठी का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो अक्षी ओंस सम इस तरह से ये प्रयोग किया गया। तो ये अलौकिक विग्रह भी आप जान चुके होंगे, क्योंकि सुप्त प्रत्यय कौन सा है, ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अन्वक्षम, अन्वक्षम भी वह यही है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें और अक्षी शब्द के साथ में समीप अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले ही सूत्र से इसमें समास हो जाएगा, क्योंकि ये गण के अंतर्गत गिना जा रहा है, तो इसमें इसी से समास टच प्रत्यय हो जाएगा। विभक्ति जो लगेगी वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, अक्षण पश्चात यानी आंखों के पीछे, जो आपके आंखों के पीछे है उसकी चर्चा कीजिए। समक्षम भी आंखों के सामने होता है, परोक्षम आंखों के पीछे ही मान के चलिए इसको भी, और प्रत्यक्षम आंखों के सामने होता ही होता है। ठीक है, तो अक्षण पश्चात ये लौकिक विग्रह हो गया षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके, और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय लगाने पर ये अलौकिक विग्रह हो गया। इस तरह से हमने जाना कि ये कैसे दो सूत्रों के द्वारा इनमें सारी प्रक्रियाएं लगती हैं। एक जो सूत्र है वो समास का विधान करता है, दूसरा जो सूत्र है वो इसमें टच प्रत्ययों की विधि बताता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सूत्रों पर चलते हैं। अगला सूत्र जो था वो आपने याद किया होगा, अनश्च। सूत्र कौन सा था? अनश्च अर्थात अन। ये अन है, अन अंत वाली जितने भी शब्द हैं, अन से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं उनमें क्या होगा? हाँ, टच प्रत्यय हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा? अनश्च के द्वारा। चा जो है वो टच प्रत्यय को नीचे की ओर खींच लेता है, तो अनश्च से क्या होगा? अनंत वाले जितने भी शब्द हैं उनसे टच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे राजन है, अनंत है, अन राजन। ऐसे आत्मन है, आत्मन भी अनंत वाला है, इनसे सीधे टच प्रत्यय का विधान अनश्च सूत्र से हो जाएगा। अब बात आती है कि इसे समास के सूत्र से होगा, तो उपसर्दम लगा, उप लगा हुआ, उपराजम लगा हुआ है, तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले ही सूत्र से समीप अर्थ में उसी सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। आध्यात्मम, आत्मनि अधि, अधि लगा हुआ है, तो विभक्ति अव्यय विभक्ति, विभक्ति के अर्थ में आध्यात्म में उसी सूत्र से द्वितीय वाले सूत्र से ही समास हो जाएगा। फिर टच प्रत्यय किसके द्वारा होगा? अनश्च से। याद रखना है दोनों सूत्र, अनश्च के द्वारा टच प्रत्यय का विधान किया गया है। लौकिक विग्रह में राज्ञा समीप आत्मनि अधि, इसमें षष्ठी का प्रयोग किया गया, इसमें सप्तमी का प्रयोग किया गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं अलौकिक विग्रह में षष्ठी विभक्ति में सुप्रत्यय का विधान किया गया है, और ये ङि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, आत्मन ङि अधि ये पूरा प्रयोग है। आगे है, जैसे ये चर्मन है, चर्मन भी तो अनंत है, अर्थात इससे भी टच प्रत्यय हो जाता है, लेकिन अनश्च सूत्र से नहीं होता। इसमें एक और सूत्र पढ़ा गया है, शायद आपने याद किया हो, नपुंसकाद अन्य तरस्याम, अर्थात नपुंसक शब्द जो अनंत वाले हैं
उनसे विकल्प से, उनमें विकल्प से टच प्रत्यय होता है, ये इसमें कहा गया। तो चर्मन जो है वो कैसा शब्द है, नपुंसक वाला शब्द है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपचर्मम। और विकल्प में जहां टच प्रत्यय नहीं होगा वहां उपचर्म रहेगा। अब इन दोनों शब्दों में जो समास हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है, नपुंसकार अन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा, तो इसमें टच प्रत्यय हो गया। लेकिन जो समास हुआ है वो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले ही सूत्र से होगा। विग्रह लौकिक विग्रह चर्मणा समीपम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा अलौकिक विग्रह में। ठीक है, उपनदम, उपपौर्णमासम, उपाग्रहणम, ये हमने सूत्र जाना था। इसमें क्या होता है, नदी, उपपौर्णमासी और अग्राहण, ये तीन शब्दों में सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इनमें समास किसके द्वारा होता है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि के द्वारा इसमें समाप्त होता है। लेकिन इसमें भी क्योंकि यहां से नपुंसकात अन्यतरस्याम के द्वारा सारे नीचे की जितने भी आएंगे वो सब विकल्प से होंगे, टच प्रत्यय पक्ष में बिना टच प्रत्यय के भी प्रयोग करेंगे, हो जाएंगे। तो इसमें जो दिया है उपनदम ये वाला, इसमें नद्याः समीपम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके, नदी नस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग करके अलौकिक विग्रह, और उपनदी ये जो शब्द दिया है यह बिना टच प्रत्यय वाला शब्द है। तो ये और ये टच प्रत्यय वाला है। टच प्रत्यय में आपको याद रखना है, टच प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं उनमें, मैं बता नहीं रहा हूँ इसमें आपको सिद्धि, क्योंकि सिद्धि मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई पढ़ा है, मैंने दो चार पांच शब्दों की सिद्धि बताने का प्रयास किया है, उनमें अम आदेश हो जाता है। ठीक है, टच का जो बचता है आ बचता है, कैसे बचता है, चुटु एक सूत्र होता है, चुटु से टा का लोप हो जाता है और चा हलंत्यम है इसलिए उसका लोप हो जाता है, तो ये आ बचता है। और जो भी इसमें सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो अम में परिवर्तित हो जाती हैं, अतो अम अमी पूर्वम के द्वारा उसमें सारी व्यवस्था हो जाती है। तो ये सब टच प्रत्यांत शब्द के अंतर्गत है। लेकिन टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो अम आदेश नहीं होगा, उसको हमने जाना था नहीं, हिरस्व नपुंसकाद कौन सा सूत्र था वो, हिरस्व नपुंसको प्रातिपदिकस्य, ये सूत्र था, उसके द्वारा जो भी शब्द होते हैं उनमें हिरस्व हो जाता है। ठीक है, जैसे नदी है, नदी में ई हिरस्व में तब्दील हो गया, पूर्णमासी ई, ग्राहिणी ई, इस तरह से ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, उपपौर्णमासी, उपाग्राहिणी, ये इसमें बिना टच वाले शब्द हैं, बाकी शब्द ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके समीप अर्थ में प्रयोग हो जाएंगे। यहाँ पर सब में गस प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा अलौकिक विग्रह में। इसमें कुछ समझाने को बचा नहीं है, आपने यदि एक मूल चीज समझ ली कि अलौकिक विग्रह मतलब जिस विभक्ति में जो शब्द शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका सीधा सीधा इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो यदि वो समझ में आ गई तो फिर उसमें कुछ बचता नहीं है। अब चलते हैं, ठीक है, ये हो गया उपशमिनम। अब हमने एक सूत्र और जाना है, इसमें ना जाना हो तो मैं लिख ही दे रहा हूं यहां, झय। झय सूत्र कहता है कि जो भी शब्द हैं यदि उन शब्दों के अंत में झय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए तो उसमें अभिभाव समास प्रयोग होता हो, उससे उन शब्दों से टच प्रत्यय हो जाता है झ शब्द के द्वारा, झ सूत्र के द्वारा। ठीक है, जैसे इसमें समिध है तो समिध कौन सा शब्द है, ता था दा धा, अर्थात चतुर्थ वर्ण है धा, तो धा अंत में आ रहा है, ये झ प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है, इसलिए इस समिध शब्द से टच प्रत्यय हो जाएगा। अब किससे होगा याद रखना है, झ जह सूत्र से होगा, और इसमें समास के सूत्र से के द्वारा होगा क्योंकि उप लगा हुआ है,
तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले सूत्र से इसमें समास हो जाएगा। तो समिधा समीपम षष्ठी का प्रयोग करके लौकिक विग्रह बना दिया और षष्ठी विभक्ति का सुप्रत्यय लगा करके इसमें अलौकिक विग्रह कर दिया। अब इसमें क्योंकि हम जानते हैं विकल्प से होगा तो उपसमित या उपसमिद ये दो शब्द विकल्प में पक्ष में रहेंगे ठीक है। उपसमित कह लीजिए इसको या उपसमित, ये दोनों प्रयोग हैं। खरीचायिक सूत्र के द्वारा ये प्रयोग कर दिया जाता है धा का, जो भी है आपको मैं सिद्धि नहीं समझा रहा हूँ ठीक है। अंतिम है ये उपगिरम, एक सूत्र पढ़ा था हमने ग्रेष्ठ सैनिकश्च है ना, तो सैनिक कोई पूर्व आचार रहे होंगे वैयाकरण रहे होंगे उनके मत में या उनके अनुसार गिरी शब्द का जब भी प्रयोग हो जाएगा तो उस शब्द के साथ अभिभाव समास में टच प्रत्यय का विधान हो जाएगा अर्थात टच प्रत्यय उसमें लग जाएगा। किसकी सूत्र के अनुसार? गिरेश सैनिकश्च के द्वारा, गिरेश सैनिकश्च ठीक है। और इसमें समास किसके द्वारा होगा? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, यही है सूत्र और कोई सूत्र नहीं है ये, मान के चलिए 90% यही काम करता है, आपको याद कर लेना है। तो गृह समीपम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, लौकिक विग्रह हो गया। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तो षष्ठी विभक्ति का सुप्रत्यय लगा करके इसमें लौकिक विग्रह कर दिया जाएगा, गिरिंगस्तु, इस तरह से ये पूरा हो जाता है। तो आज हमने संपूर्ण अविभाव समास जान लिए हैं और आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समास कैसे प्रयोग होते हैं। यदि आपको फिर भी समस्या आ रही हो कहीं तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कुछ मित्र हैं हमारे, कुछ कमेंट करते हैं लेकिन वो ऐसा पढ़ते संस्कृत हैं लेकिन कमेंट को जो करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, और सही बताऊं तो कुछ शब्द इंग्लिश में समझ में आते ही नहीं मेरे तो, क्योंकि उसको ऐसे लिखा जाता है कि तोड़ फोड़ करके, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आते लेकिन उसमें शुद्ध रूप से क्या कहना चाह रहे हैं आप वो चीज़ नहीं निकल के आती। तो यदि आप अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दे पाऊंगा। कुछ मित्रों ने कहा था कि उसकी शब्द सिद्धि करके समझा दीजिए, अब किस शब्द की सिद्धि समझाऊं, कौन से समास में कौन सा शब्द है मुझे पता ही नहीं, उसमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था उसको हिंदी में लिख करके बताएं तो वो उन्होंने दोबारा जवाब ही नहीं दिया कि शायद हिंदी लिखनी आती नहीं है या क्या नहीं आता। संस्कृत वाले हैं आप, कम से कम हिंदी में कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर आपकी मर्जी है वो। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।